हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुखबीर, देखिए बिहार में जितना भी आपका उच्च माध्यमिक स्कूल है उसमें 6421 विद्यालय सहायकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कितना मंथली मिलेगा ये भी दिया है कि 16500 रुपये का मासिक वेतन पर होगा नियोजन। अब हर जिला में आपका अलग अलग सीट होगा, जैसे मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा 305 सीट है, पटना में 310 बहाली है। तो देखिए इसका अभी क्राइटेरिया नहीं दिया है, कैसे बहाली होगा, कैसे इसमें एग्ज़ाम होगा कि नंबर बेसिस पर बहाली होगा, इसका भी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन राज्य में 9 स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायकों की बहाली 1650 रुपये मासिक नियत वेतन पर होगी। इन्हें 500 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगा, यानी हर वर्ष 500 रुपये का वेतन में वृद्धि होगा। यह बहाली नियोजन इकाइयों द्वारा होगी। शिक्षा विभाग ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद सृजन की जानकारी सोमवार को महालेखाकार लेखा एवं हकदारी को दी है। इसके साथ ही 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक विद्यालय सहायक की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। महालेखाकार को दी गई जानकारी में शिक्षा विभाग ने कहा है कि 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन व प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायकों पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह पद राज्य के राजकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक और अनुसेवक के वरणशील पद प्रतिपित करते हुए सृजित किए गए हैं। इससे संबंधित संकल्प विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया अर्थात सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई निर्धारित है, उसके अनुरूप ही नव सृजित पदों पर कार्रवाई की जाएगी। महालेखाकार को दी गई जानकारी में शिक्षा विभाग ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक के पदों को विद्यालयवार चिन्हित किया जाएगा। तो इसका भी बहाली जल्द ही आएगा, चुनाव से पहले ही होगा इसका, समझे, सहायक के तौर पर हर विद्यालय में किया जाएगा। थैंक यू।